सारे टीचर्स ने अपनी अपनी फिक्स बताई। अब मैं चाहती नहीं था। अब स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूंगी। सो आई वुड लाइक टू कॉल यूसुफ फ्रॉम क्लास 12। सो यूसुफ प्लीज कम ऑन द स्टेज। Respected principal ma'am and all teachers and my dear friends, good afternoon for everybody. क्योंकि 12:30 हो चुका है और तो मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया है गलती से, टाइम नहीं देखा होगा। क्योंकि हम लोग बहुत ही एक खुशी भी है और एक हमारे लिए दुख भी है कि हमारे ये इतने एक्सपीरियंस टीचर जो कि मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, कम टाइम में चीजों को यूज करके बहुत ही अच्छे तरह से प्रोग्राम को सफल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक चीज और मैं बताऊं, कितने सालों से स्पोर्ट डे मैं जितना टाइम से पढ़ रहा हूँ मैंने एक ही स्पोर्ट डे देखा है बस 6th में। उसके बाद इस बार हुआ है जो कि हमारे सुशील सर के देन है कि हमने इस स्पोर्ट डे को इतने अच्छे से एंजॉय किया, इतने अच्छे से इन्होंने मैनेज किया। और मैं क्या बताऊं इनको, मैं तो इनको पर्सनली जानता हूं क्योंकि ये मेरे होम टाउन से बिलोंग करते हैं, काफी पास ही में घर है पर कभी मुलाकात नहीं हुई है। पर मैं इनके घर गया हूं पर इनसे मिला हूं नहीं हूं। ये नेचर लवर है, इनको नेचर से बहुत प्यार है। ये अपने घर को, इनका घर नहीं है, एक नेचर का बनाया हुआ समझिए घर है। इतने अच्छे से डेकोरेट करना, इतने अच्छे से मैनेजमेंट करना प्लांट्स को, ट्रीज को, मैंने तो देखा। मैं मुझे लगा था कि कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का घर है पर मैं रुक गया और मैंने पूछा कि किसका घर है, तो बताया कि एक टीचर है नौजवान में पढ़ाते हैं। अब कहे कौन नौजवान में टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बताया एक आदमी ने कि सुशील सर का घर है। तो हम कहे अरे ये सुशील सर का घर है, मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा था कि इतना बेहतरीन, इतना क्या मैं कहूँ, मुझे फीलिंग्स मैं नहीं बता सकता इस समय। और बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि सर का सिलेक्शन हुआ है। मुझे तो क्लास में आया तो मुझे मालूम चला है कि सर का सिलेक्शन हुआ है। और मैं सबसे यही बात कहना चाहूंगा कि सर को देख के ही मैंने सीखा है किस तरह बात करना है, किस तरह टीचरों को रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि इनकी बात करने का टॉकिंग सेंस बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, टाइम भी कम है और आगे के प्रोग्राम भी देखना है फिर। थैंक यू सर एंड थैंक यू फॉर ऑल। Ravi Smile is always in his space. Such a long distance he was coming, but really punctual teacher, highly disciplined, a person of good character, a person of good moral values, a person with good communication skill. You must realize that he is a good comedian also. When we are together, when we travel together, definitely he makes us laugh, all of you. We really enjoyed his company. जब भी हम लोग कंपनी का भी घूमना जाते थे, whenever he goes, we really enjoyed his company. कि आपका फ्यूचर अब बिल्कुल ब्राइट हो चुका है। जैसे हम किसी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आज वो साक्षात उनका मेहनत, उनकी लगन, उनका कर्तव्य, उनका आचरण, उनका व्यवहार और हमारे विद्यालय के प्रांगण में 11 वर्षों का सफर जो रहा काफी अतुलनीय, सराहनीय और बिल्कुल प्रशंसनीय है। मैं आपको पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और एक सांस्कृतिक कलाकार के मद्देनजर से मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग। मैं यहां पे पढ़ भी चुका हूं, यहां पढ़ा भी रहा हूं, कहना बहुत मुश्किल है बट मैं क्या ही बोलूं। सुशील सर एक ऐसे इंसान है जिनसे मैं पढ़ा लगभग यही 2016-17 के बैच का मैं स्टूडेंट हूं और इनसे फिर मैं मिला 2022 में। और मैं जहां मिला वो जगह मिलने वाली तो नहीं थी बट हम मिले, मैंने पहचाना सुशील सर, पहचान नहीं पाया मुझे, मैं बहुत बड़ा हो गया था हाइट में, आपके सामने कभी बड़ा नहीं हो सकता हूँ सर, बट सुशील सर
माय नेम मुझे पहचान गए। और जब मैं स्टूडेंट था तो ऐसे टीचर थे, जब मैं उनका कलीग बन गया तो उन्होंने कभी भी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे कलीग ही ट्रीट किया है। उनका क्लास में आते हुए मुझसे परमिशन लेना मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो मेरे सर है, मेरे कोऑर्डिनेटर है, मेरे सीनियर है, बट हमेशा ही मेरी क्लास में आने से पहले परमिशन लेना, आना और मुझे इतनी इज्जत देना जो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। मैं कभी भी उनका कलीग नहीं मानता हूँ खुद को, मैं हमेशा भी आज भी उन्हें अपना टीचर ही मानता हूँ, उनसे कुछ सीखते ही आया हूँ। मैंने लाख पढ़ाई की है, मैं लाख कॉमर्स पढ़ा हूँ, बट इनके इतना अच्छा मैनेजमेंट मैं खुद नहीं जानता हूँ। सुशील सर के मैनेजमेंट का मैं क्या ही बोलूं, सुशील सर से तो मैं खुद सीख रहा हूं और मैं अपने सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि उनसे मैनेजमेंट कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से सीखिए। वो एक लाइव एग्जांपल है आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। सुशील सर कैसे कोऑर्डिनेटर है जिन्होंने बड़ी मैम के साथ और हमारा बॉन्ड बना के हुए चलते हैं, ये नहीं कि किसी के बाद किसी से कह देना, कुछ भी कह देना। और आज तक सुशील सर ने कभी भी ऑर्डर नहीं दिया, आपने कभी ऑर्डर नहीं दिया है किसी को भी नहीं। और एक यही रीजन है जिस वजह से हमारा सारा का पूरा बी ब्लॉक बहुत स्मूथली चला है, चलते हुए आया है। और मैं कहूँ बस इतना कहना चाहूंगा कि सुशील सर की जगह ले पाना इस स्कूल में इम्पॉसिबल है। कोई नहीं सबके मन में एक ही बात, एक ही विचार और एक व्यक्ति की सूरत सबकी आंखों में तेरा नाम निकाल दिल में तेरी याद।
लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी ख्वाबों में भी हो जाए मुलाकात तो होगी। खिला दो सर को। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं आज स्कूल पहुंचूंगा तो आप लोग हमारा इस तरह से विदाई करेंगे। मैं अभिभूत हूं। मैं समझ नहीं सका कि मेरी वैल्यू इतनी थी यहाँ पे। और मुझे ये बनाने वाला जब मैं यहाँ आया था तो एक फ्रेशर टीचर था। बनाने के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है और वो है प्रिंसिपल मैम। किस तरह से मैनेजमेंट सिखाती थी, किस हर की सिचुएशन में कैसे डील करना है बच्चों के साथ, किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या करना है, सब कुछ इन्होंने शुरू शुरू में डांट भी पड़ी होगी इनकी हमारी हम पर, और बहुत कुछ सीखा। जो कुछ आज देख रहे हैं या आप सब ने हमारे बारे में जो कुछ कहा उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने ही बहुत कुछ सिखाया मुझे। जाने अनजाने में मुझसे कई, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक दो डिसीजन ऐसे हुए जब मैंने कभी कभी गलत बच्चों को भी पनिश किया, तो आज मैं उनसे भी माफी मांगता हूं कि एक दो बार ऐसे हुए होंगे। बाकी आज कुछ कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये नौजवान मेरा मेरे लिए परिवार था। मैंने कभी इसे एक संस्था में नौकरी करने के उद्देश्य से यहां नहीं आता था। मुझे लगता था कि मुझे अपने स्कूल जाना है। कभी अगर नौजवान के बारे में कहीं कुछ गलत बातें भी सुनता था तो ऐसा दुख होता था जैसे हमारे परिवार में किसी के साथ कुछ हुआ हो, चाहे ऐसा हुआ हो, ये एहसास था यहाँ के लिए। और बाकी यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि इनको थोड़ा सा सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। बच्चे कोऑपरेट भी करते हैं, थोड़े बच्चे हैं तो बचपना भी करते हैं, तो ऐसे में अगर कोई टीचर आपको सुधारते हैं, मैंने भी आपको डांटा हो बोला हो तो आपकी भलाई के लिए ही बोला होगा कभी भी। और कभी की टीचर कभी किसी स्टूडेंट के प्रति कोई गलत भाव रखता ही नहीं है, वो हमेशा उसे सुधारना चाहता है। और जब से मैं आया तब से प्रिंसिपल मैम से मिला हूं तो हम दोनों का बुरा हाल है। अब क्या करें, ऐसे मजदार में हम फंसे हैं कि जाना भी जरूरी है वहां, लेकिन हम इस संस्था के साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी का कोई भी ओकेजन होगा, कभी भी कोई प्रोग्राम होगा, मैं मैम से रिक्वेस्ट किया हूं कि मुझे सूचना मिलेगी, मैं जरूर आया करूंगा। थैंक यू सभी।